नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका दोस्त आदित्य और आपका स्वागत है इंडियन रेल पैसेंजर में। तो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे 22844 पटना से बिलासपुर जाने वाली पटना बिलासपुर सुपर फास्ट एक्सप्रेस, जो वीकली है, जो सैटरडे को रात में 11:55 में पटना से खुलती है और अगले ही दिन शाम में 5:27 पर बिलासपुर पहुंचती है। तो गाइस, आज हम इसी पे बात करेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये पटना बिलासपुर का पूरा टाइम है। पटना बिलासपुर सुपर फास्ट एक्सप्रेस है, वो साउथ ईस्टर्न सेंट्रल की तरफ जाती है। इसका पूरा डिस्टेंस है 965 किलोमीटर और इसका मैक्सिमम पर स्पीड है 110 किलोमीटर पर आवर का। तो गैज, ये इसका पहला रन हुआ था जुलाई 7 सैटरडे को 2012 में। तो गैज, इसके कोचेस हैं स्लीपर, एसी, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी और थर्ड एसी, और इस पर स्लीपर और जनरल क्लासेस हैं। इसके रेक शेयर होती है बिलासपुर इंडाकुलम सुपर फास्ट एक्सप्रेस से, रेक शेयर होती है बिलासपुर इंडाकुलम सुपर फास्ट एक्सप्रेस से। तो इसका लोको है पटना से ये आसनसोल तक जाती है, तो ये वैम आसनसोल के वैमपुर से अटैच्ड रहती है और आसनसोल से बिलासपुर तक मुगलसराय वैमपुर से। तो गाइस, इसकी लोको और रेक रिवर्सल होते हैं, मतलब उसका इंजन चेंज होते हैं और उस अपना डायरेक्शन चेंज करता है आसनसोल और टाटा नगर से। तो गाइस, आज हम इसके रूट्स देखते हैं। तो रूट्स है गाइस, ये पटना मतलब ईस्ट कोस्ट रेलवे पटना जंक्शन में 23:55 पर खुलती है रात के 23:55 पर। पटना साहिब 12:14 पर पहुंचती है। यहाँ पे इसका 2 मिनट का स्टॉप है और 12:16 पर वहाँ से खुल जाती है। फिर इसका नेक्स्ट स्टॉप है जो फतवा जंक्शन। यहाँ देख सकते हैं ये फतवा जंक्शन, यहाँ पे इसका स्टॉपेज है 12:26 पर। यहाँ पे भी ये 2 मिनट का स्टॉप है, उसके बाद ये 12:28 पर यहाँ से खुल जाती है। इसके बाद ये बख्तियारपुर जंक्शन जो 12:46 में वहाँ पहुँचती है, यहाँ पे भी इसका 2 मिनट का स्टॉप है और 12:48 में खुल जाती है। उसके बाद है इसका मोकामा में स्टॉपेज, जो उसके बाद ये 34 किलोमीटर जर्नी इसका तय होता है। उसके बाद यहाँ पे ये रुकती है 1:16 और उसके बाद 1:18, यहाँ पर भी इसका 2 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद ये क्यूल जंक्शन पे पहुँचती है। क्यूल यहाँ पे ये 1:48 में यहाँ पहुँचती है और 1:50 पर वहाँ से खुल जाती है। उसके बाद ये झाझा पहुँचती है 3:25 पर और 3:30 पर यहाँ से खुल जाती है। यहाँ पे इसका 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये JCD पहुँचती है, यहाँ पे इसका 4:02 पर स्टॉप है और 4:04 पर खुल जाती है। यहाँ पे भी इसका 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये मधुपुर जंक्शन में पहुँचती है, वहाँ पे इसका 4:29 पर पहुँचती है और 4:31 पर खुल जाती है। इसके बाद है चितरंजन पे इसका स्टॉप, चितरंजन में 5:09 में पहुँचती है और 5:11 में खुल जाती है। इसके बाद है आसनसोल में ये 5:55 पे और 6:16 पे ये खुल जाती है। यहाँ पे इसका इंजन चेंज होता है और ये ट्रेन अपना डायरेक्शन चेंज करती है। इसके बाद है
इसके बाद ये 6:15 पर ऐसे खुल जाते हैं। उसके बाद चड्डी पहाड़ में 6:56 पर 6:56 में वहाँ पहुँचती है और 6:58 में खुल जाती है। उसके बाद ये पुरुलिया जंक्शन में पहुँचती है जहाँ पे 7:36 में सुबह के 7:30 में 7:36 में पहुँचती है और 7:38 में खुल जाती है। यहाँ पे भी इसका 2 मिनट का स्टॉप है। टाटा नगर में ये 9:20 पर 9:20 में पहुँचती है और 9:45 में खुल जाती है। यहाँ पे इसका आधे घंटे का स्टॉप है। इसके बाद ये चक्रधरपुर में पहुँचती है। यहाँ पे इसका 10:35 में पहुँचती है और यहाँ पे 10:37 में खुल जाती है। इसके बाद ये पहुँचती है राउरकेला जंक्शन में। ये 12 बजे पहुँचती है और 12:10 में खुल जाती है। यहाँ पे इसका 10 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये राजगांवपुर पहुँचती है जहाँ पे इसका 12:39 में पहुँचती है और 12:40 में खुल जाती है। यहाँ पे इसका 1 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये झारसुगुड़ा जंक्शन में पहुँचती है। यहाँ पे 2:03 पे पहुँचती है और 2:05 पे खुल जाती है। इसके बाद ये ब्रजराज नगर में पहुँचती है जहाँ पे 2:13 पे पहुँचती है और 2:15 पे खुल जाती है। यहाँ पे 2 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद ये रायगढ़ जंक्शन पे पहुँचती है और 3:06 पर यहाँ पे पहुँचती है और 3:08 पर यहाँ पे यहाँ से खुल जाती है। उसके बाद इसका लास्ट स्टॉपेज है चांपा जंक्शन। यहाँ पे ये 4 बजे पहुँचती है और 4:02 में खुल जाती है। यहाँ पे इसका सिर्फ 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये बिलासपुर जंक्शन 5:25 पे पहुँच जाती है और ये उद्योग स्थान में पहुँच जाती है अपना बिलासपुर जंक्शन। ये टोटल 964 किलोमीटर जर्नी तय करती है। तो गाइज आपको वीडियो मेरा कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कर दे और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो गाइज ठीक है, जय हिंद, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।